हरिओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 28वां अध्याय। त्रिया शक्ति सोमभूप ने लियो नारी को अंग, ज्ञान पुरंजन ने गयो मिली मुक्ति यश संग। नारद जी बोले, हे वरिष्मन, यवनेश्वर सैनिक और प्रज्वार काल कन्या के साथ पृथ्वी में घूमने लगे। एक दिन उस प्रंजन नगरी को वह काल कन्या भोगने लगी। यवन लोग उसके दरवाजे से घुसकर उसे ढाने लगे। तब अभिमानी पुरंजन को बड़े बड़े दुख उठाने पड़े। जब वह काल कन्या से घेर लिया गया तो उसकी सब कांति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने उसका सब घमंड और ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। इस तरह जीर्ण शीर्ण हुई अपनी नगरी को सम्मान ना करते हुए, अपने पुत्रों पौत्रों को तथा अपनी तरफ प्रेम ना करती हुई, अपनी स्त्री को और काल कन्या से ग्रसी हुई अपनी देह को देखकर उसके दूर करने का कुछ भी उपाय जब ना कर सका, तब प्रंजन समझा कि काल कन्या ने मेरा स्वरूप और श्री कांति नष्ट कर दी है और अत्यंत विषासक्त होने से मैं दीन हो गया हूँ। सब पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़ गया है। मैं सर्वथा विवश हूँ। अब क्या हो सकता है? इस विपत्ति से कैसे छूट सकता हूँ? बड़ी चिंता में डूबने लगा। पुत्र स्त्री पौत्रों के मुंह में फंसने के कारण उस नगरी को नहीं छोड़ना चाहता था, किंतु बाध्य होकर उस नगरी को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। इतने में ही प्रज्वार नाम के भाई भय के भाई ने अपने भाई के प्रिय करने की इच्छा से उस नगरी में आग लगा दी। जब नगरी सब तरफ से जलने लगी तब पुरंजन पुत्र पौत्रों के साथ बड़ा दुखी हुआ। यवनों से घेरे हुए अपने निवास स्थान वाली उस नगरी का रक्षक महासर्प भी जय जब काल कन्या से ग्रसी हुई उस नगरी की रक्षा करने में असमर्थ हो गया, तब वह भी जाने की तैयारी करने लगा। उसके अंग प्रत्यंग सब ढीले पड़ गए थे। उस समय यवनों ने उसे जाते हुए देख उसे रोक लिया और वह दुखी होकर रोने लगा। ढीले अंग प्रत्यंगों वाले राजा पुरंजन के कंठ से गुर्र गुर्र कफ के घराने की आवाज निकलने लगी। गृह में आसक्त पुरंजन की बुद्धि मैं और मेरे पने के भाव में फंसकर भ्रष्ट हो गई थी। अब वियोग के समय में स्त्री पुत्र पौत्रों में उसकी ममता मात्र रह गई थी। उन सब की पुरंजन चिंता करने लगा कि हाय, मैं जब चल दूंगा तो मेरी स्त्री अनाथ विधवा हो जाएगी और मेरे मरने पर यह कैसे अपना निर्वाह करेगी। यह स्त्री मेरे ना खाने पर खाती नहीं थी, अब यह पुत्रों की चिंता में ही सूख सूख कर कांटा हो जाएगी। मेरे पीछे यह अपना कैसे निर्वाह कर सकेगी। यह सर्वदा मेरी ही सुश्रुआ में लगी रहती थी। मैं जब तनिक भी रुष्ट हो जाता था तो बड़ी डरती थी और चिंता के मारे खाना पीना तक छोड़ देती थी। मेरे परलोक चले जाने पर गृहस्थ धर्म का भी कैसे पालन कर सकेगी, और मेरे परलोक चले जाने पर एकमात्र मेरे ही आश्रय से जीवन व्यतीत करने वाले मेरे नाती बेटों की भी क्या दशा होगी। हे राजन, इस प्रकार सब घर धन स्त्री पुत्र पौत्र आदि का शोक करते हुए राजा पुरंजन को लेने के लिए भय नामक यवन राज वहां आ पहुंचा। यवन गण जब उसे इस प्रकार बांध कर ले जाने लगे तब उसके
अनुचर गण सब के सब उस पुरंजन का शोक करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। यवनों से रोका हुआ जब सर्पराज भी नगरी को छोड़कर पीछे पीछे चल दिया, तब वह नगरी पुरंजन की एकदम छिन्न भिन्न होकर अपने अपने कारण में मिल गई। राजा पुरंजन बलवान यवन राज से इस तरह खींचे जाने पर भी अज्ञान के कारण अपने पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं कर सका। पुरंजन ने यहाँ पर यज्ञ में जिन पशुओं की हत्या की थी, वे ही पशु रूप होकर उस पुरंजन को वहाँ नरक में अपने पहने पहने सिंगों से छेदने लगे। वह पुरंजन इस प्रकार पीड़ा पाता हुआ बहुत वर्षों तक घोर दुख वाले उस नरक में पड़ा रहा। स्त्री के मुँह में फंसने से और यज्ञों में पशुओं की बलि देने से उसको ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ी। अंतकाल में भी पुरंजन को उस स्त्री का ध्यान बना रहा, अतः नरक यातना भोगने के पश्चात उसे विदर्भ राजा के यहाँ कन्या का जन्म लेना पड़ा। उस कन्या से पांड्या राजा ने युद्ध में स्वयंवर के लिए आए हुए अनेक वीर क्षत्रियों को जीत कर विवाह किया। राजा पांड्या ने उसमें 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न की। उन 7 पुत्रों में से एक एक अर्ब पुत्र उत्पन्न हुए और उस पांड्या देश के राजा मल्लध्वज जी की कन्या से अगस्त्य मुनि ने विवाह किया। उसमें दृढ़चित नाम के एक मुनि उत्पन्न हुए। उन दृढ़चित मुनि के एक इदम्बाहा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मल्लध्वज सब पुत्रों के लिए यथावत भूमि को बांटकर भगवान की आराधना करने के लिए कुलाचल पर्वत पर चला गया। उसके साथ विदर्भ राजा की पुत्री भी सब बाल बच्चों को छोड़कर अपने पति के साथ चल दी। वहां पर राजा मल्लध्वज ताम्रमणि आदि नदियों के जल से अपने मन के मल को धोता हुआ कंद बीज फल मूल फूल आदि का आहार करता हुआ तपस्या में संलग्न हो गया। तपस्या से उसका सारा शरीर सूखने लग गया, सब में समान दृष्टि रखने लगा। प्यास भूख गर्मी सर्दी वर्षा आंधी प्रिय अप्रिय सभी द्वंद्वों को उसने जीत लिया। तपस्या और भगवत आराधना से सब वासनाएं उसने समूल नष्ट कर दी। केवल ब्रह्म में ही निरंतर ध्यान लगाने लगा। वह भगवान में ही भक्ति करता हुआ 100 दिव्य वर्ष तक वृक्ष की तरह अचल होकर एक ही समाधि लगाकर तपस्या में जुटा रहा। वह इस प्रकार तप करते हुए तथा आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते हुए अन्य सब सांसारिक विषयों से विरक्त हो गया। इस तरह तपस्या करते हुए हरि भगवान के द्वारा उपदेश दिए गए ज्ञान से ब्रह्म में आत्मा का तथा आत्मा में ब्रह्म का चिंतन करते करते अंत में सब ओर से उदासीन होते हुए इस अभेद चिंतन को भी छोड़कर वह शांत हो गया। विदर्भ राज राजा मल्लध्वज की पुत्री इस समय पर भी पहले की तरह ही सब भोगों को त्याग कर बड़े प्रेम से अपने धर्मज्ञ पति की सेवा में लगी रही। उसने चीर वस्त्र धारण कर लिए और व्रत उपवास में शरीर कांटे की तरह सुखा दिया और अपने पति के पास सेवा में प्रतिक्षण समय बिताती रही। वह अब भी पति को शांत हुआ ना जानती हुई पहले की तरह ही सेवा में लगी रही। जब पति के चरणों को दबाते हुए उसने पति के पैरों में उष्णता ना देखी, तब वह बड़ी व्याकुल हुई। वन में वह विदर्भ राजपुत्री पति का शोक करती हुई बड़े करुणा भरे स्वर से रोने लगी और कहने लगी, हे राज ऋषि उठिए उठिए, डाकुओं से डरती हुई इस प्रजा की रक्षा करिए इत्यादि अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और फिर आंसुओं को पोंछ कर वन में पड़ी हुई लकड़ियों से चिता बनाकर और उसके ऊपर पति की देह को रखकर अग्नि लाकर उस जलती हुई चिता में प्रवेश करने की इच्छा की,
कि उसी समय पहले का कोई मित्र ब्राह्मण रूप में वहां आकर उसे समझाने लगा। ब्राह्मण बोला, हे विदर्भराज पुत्री, तुम कौन हो? यह तुम्हारा कौन है? इसका तुम क्यों सोच करती हो? तुम मुझे मित्र को जानती हो क्या? हे मित्र, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसके साथ तुम विचार करती थी। क्या तुमको याद है कि तुम्हारा एक अभिज्ञाता नाम का मित्र था? तुम पृथ्वी के भोगों को भोग के लिए अपने निवास स्थान के ढूंढने के लिए चल दिए थे। हे आर्ये, मैं तुम दोनों मानसरोवर के साथ ही विचरने वाले दो हंस पक्षी थे, किंतु हे बंधो, वहीं तुम भोग विषयों के भोगने की इच्छा से मुझे छोड़कर चल दिए थे और पृथ्वी में घूमते हुए स्त्री के बनाए हुए एक पुर को तुमने देखा। वह कैसा था कि उसमें 5 तो बगीचा, 9 द्वार, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल तथा 5 बाजार लगे हुए थे। वह नगर 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। हे मित्र, इंद्रियों के 5 विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श यही 5 बगीचे थे। 9 इंद्रियों के छिद्र ही 9 द्वार थे। अन्न जल और तेज ये 3 परकोटे थे। 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, यह 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्म इंद्रिय ही 5 बाजार थे। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 महाभूत ही उसके उपादान कारण थे तथा बुद्धि शक्ति ही उस पुर की स्वामिनी थी। यह वह नगर ऐसा है कि जिसमें जाकर पुरुष अपने विवेक को खोकर आत्म स्वरूप को भूल जाता है। हे बंधो, उस नगर में नगर की स्वामिनी के मोह जाल में फंसकर और उसके साथ काम की लोल करते हुए तुम अपने पने को बिल्कुल भूल गए थे। इसी कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तुम ना तो विदर्भराज की कन्या हो और ना मल्लध्वज की तुम स्त्री हो और ना तुम पुरंजन हो, जो कि पुरंजनी के 9 द्वार वाले नगर में गिर गए। पहले तुम पुरंजन पने के जन्म में अपने को पुरुष जानते थे, अब इस जन्म में अपने को स्त्री समझ रखा है। यथार्थ में ना तो तुम पुरुष ही हो और ना स्त्री ही हो, हम तुम दोनों हंस हैं। मैं जो ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। हम दोनों वास्तव में एक ही हैं। वह मेरी ही बनाई हुई माया थी। दोनों के वास्तविक स्वरूप को देखो। जिस प्रकार दर्पण में पुरुष बिंब प्रतिबिंब से अपने को दो प्रकार से देखता है, वही हम तुम दोनों में अंतर है। अर्थात मैं ईश्वर बिंब हूँ और तुम जीव मेरे प्रतिबिंब हो। इस तरह मानसरोवर के हंस जीव को जब हंस परमात्मा ने सावधान किया, तब वह अपने स्वरूप को जानकर अपने मित्र के वियोग से भूले हुए अपने आत्मज्ञान को फिर प्राप्त हो गया। नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन वही इस अध्यात्म ज्ञान का मैंने प्रोक्ष रूप से दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि ईश्वर को प्रोक्ष ज्ञान ही प्रिय लगता है। साक्षात आत्मज्ञान के वर्णन करने से तुम्हारे चित्त में कथा का स्वरूप नहीं आता, इसलिए मैंने आत्मज्ञान को कथा रूप से वर्णन करके कहा है। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं।
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लवम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।